गवर्नर पंजाब ने बलदियाती एक्ट 2021 पर एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया। सुबह वजीर बलदियात भी टेलीफोनिक राबते पर गवर्नर को कायल न कर सके। एतराज को दूर करके दोबारा भेज देंगे, कानून पास होगा, महमूदुर रशीद को यकीन। वज़ीर आज़म अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के बाद अमरीका से लंदन चले गए। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल, मुल्क की सियासी सूरतेहाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में मसला कश्मीर उठा दिया। तनाज़े कश्मीर का हल नागुज़ीर करार। मकबूजा वादी में भारत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अक़वामे मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए, तीन जंगें लड़ चुके, गुरबत और मसाइल के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकला। तमाम हमसायों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान खत्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है, शहबाज शरीफ का खिताब। अफगानिस्तान में भी पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। बदतरीन सैलाब में बेघर होने वालों की आबादकारी बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा अभी तक पानी में डूबा है। आलमी बरादरी मदद करे। 3,30,00,000 मुतासरीन की जिंदगियों को खतरात लाहक। बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी कुदरती आफत की जद में आई। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। सूरत हाल को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तानी अवाम ग्लोबल वार्मिंग की कीमत अदा कर रहे हैं। 11 मिलियन अफराद गुरबत की लकीर से नीचे चले गए। अंतोनियो गुतरेस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुके। हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं, शहबाज शरीफ का आलमी बरादरी पर जोर। रहीम यार खान में तहरीक इंसाफ आज अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। ख्वाजा फरीद कॉलेज ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचमों की बहार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। पाकिस्तान के हालात खतरनाक। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। सब ठीक करने के दावेदारों ने आते ही महंगाई की शरह बढ़ा दी। मुल्क के मसाइल को हल करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं, असद उमर की कराची में मीडिया टॉक। मिफ्ता और इसहाक डार मिलकर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं, दादरसी के लिए आ रहे हैं। ड्रोन और गोलियां आवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, शेख रशीद की तनकीद। राणा सनाउल्ला डेढ़ ईंट की हुकूमत बचाने के लिए पुलिस मांग रहे हैं। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फोर्स की ज्यादा जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहरियों पर तशद्दुद के लिए फोर्स विफाक को नहीं दे सकती, बैरिस्टर सैफ। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को केस सुनेगा। ताज़रियाते पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A का कलदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करेगी, पार्लियामेंट पर एतमाद करके इसे मजबूत बनाए, चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला के रिमार्क्स। डेंगू का फैलाव तेज, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 284 केसेस रिपोर्ट, तादाद 6,153 हो गई। पंजाब में मजीद 226 मरीज। इस्लामाबाद में भी 24 घंटे के दौरान मजीद 85 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद के मारगुला टाउन से डायरेक्टर सेफ सिटी की फंदा लगी लाश बरामद। अब्दुल कदीर इस्लामाबाद पुलिस में
ग्रेड 19 के ऑफिसर थे। आईजी इस्लामाबाद का नोटिस, केस की हर पहलू से शिफाफ तहकीकात की हिदायत।